हेलो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का सातवां पार्ट है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और तथ्यों को लेते हैं और प्रश्नों को लेते हैं और आप उसका उत्तर भी करते रहें साथ में। चलिए तो फिर मैं शुरू करता हूँ। ऋग्वेद में उल्लेखित पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज या रावी? और दूसरा प्रश्न, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? जाबाल उपनिषद या मैत्रायणी संहिता? तीसरा प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इंद्र या प्रजापति? चौथा प्रश्न, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान बताइए जिसके बारे में 250 सूक्तों की रचना की गई है, अग्नि या इंद्र? छठा प्रश्न, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी ग्राम या कुल? सातवां प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, सिंधु या सरस्वती? सातवां प्रश्न, प्राचीनतम पुराण है भागवत पुराण या मत्स्य पुराण? आठवां प्रश्न, आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है महाभारत को या रामायण को? नवा प्रश्न, प्राचीनतम स्मृति है नारद स्मृति या मनु स्मृति? दसवां प्रश्न, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पतंजलि या पाणिनि? ग्यारहवां प्रश्न, कर्म कांड का उल्लेख कहां मिलता है, निरुक्त में या कल्प सूत्र में? बारहवां प्रश्न, शब्द व्युत्पत्ति या भाषा विज्ञान का उल्लेख कहां मिलता है, निरुक्त में या कल्प सूत्र में? तेरहवां प्रश्न, अथर्व का अर्थ है यज्ञ या पवित्र जादू? चौदहवां प्रश्न, व्रीही शब्द का क्या अर्थ है, गेहूं या चावल? वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? गेहूं या जौ? सोलहवां प्रश्न, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ, ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में? सत्रहवां प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, ऐत्रेय ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण? अठारहवां प्रश्न, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है, सभा या विदत? उन्नीसवां प्रश्न, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां का उल्लेख कहां मिलता है, यजुर्वेद या अथर्ववेद? बीसवां प्रश्न, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है, सामवेद या यजुर्वेद?
22वां सवाल, आर्य भारत में संभवतः कहां से आए? यूरोप से या मध्य एशिया से? 23वां प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 8 मंडल या 10 मंडल? आर्य शब्द का क्या अर्थ है, क्या इंगित करता है? यायावारी जन या निर्जातीय समूह? 29वां सवाल, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? 30वां प्रश्न, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? चौथे मंडल से 9वें मंडल तक या दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक? 1 काल से संबंधित मृद्वान संस्कृति कौन सी है? चित्रित धूसर मृद्वांड या गेरुवर्णी मृद्वांड संस्कृति? उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद्वान संस्कृति कौन है? गेरुवर्णी मृद्वांड संस्कृति या चित्रित धूसर मृद्वांड संस्कृति? तो ये रहा कुल मिला करके, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे इसी पार्ट को लेकर के चलेंगे। इसको भी जब तक कंप्लीट नहीं होता है, और इसको आप 100 times सुनिए, सुनते रहिए जब भी जिस काम में भी बिजी हैं, क्योंकि अब एक ही लक्ष्य है और ये कोर्स 6 महीने का है। 6 महीने के अंदर में आपको तैयारी अच्छी करनी है। तो थैंक यू वेरी मच।